हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी एक नई वीडियो में हम दादाबाड़ी बड़े चौराहे पर आए हैं, जहाँ पर पंजाबी पराठा है और यहाँ पे सबसे फेमस जो है तंदूरी पराठा है। तो आइए चलिए चलते हैं भैया के पास और बात करते हैं। बिल्कुल सर, नाम सुना उसका, तो क्या होता है इसमें तंदूरी पराठे में, किस तरह से बनता है? ये सर आलू का पराठा जैसा ही है, ये तंदूर में सीखते हैं। अच्छा। और जैसे मान लो वो ऑयली होता है, ये बिना ऑयली है, बिना ऑयली होता है बटर में। हाँ। अच्छा, ये पंजाबी स्टाइल है, पंजाबी स्टाइल में होता है। तो कितने रुपए की प्लेट है और कितने पराठे आते हैं? 50 रुपए प्लेट है, 3 पराठे, सब्जी दाल चटनी रायता सब साथ में। अच्छा, पूरा 50 रुपए में सब्जी दाल। हाँ। क्या क्या सब्जी होती है? दाल होती है आलू। सत्यम भैया ने आटे का डो ले लिया है और अब उसको लोहे बना रहे हैं। जो तंदूरी पराठा है उसकी, तंदूरी पराठे की लोहे बना रहे हैं आप। उसके अंदर ये आलू के स्टफिंग है, आप देख सकते हैं किस तरह से आलू की स्टफिंग में ये मिला हुआ है। मिर्ची है, धनिया है, आलू है, अंदर देख सकते हैं आप, ये इस तरह से आलू की स्टफिंग जाएगी और ये हमारा पराठा इस तरह से तैयार होगा और फिर ये तंदूर में जाएगा, न कि तेल में फ्राई होगा। तंदूर के अंदर पूरा पराठा बेक होता है, ऑयली नहीं होता है, बटर इसमें ऊपर से लगाते हैं भैया। और उसके साथ जो है सब्जी है, रायता है, चटनी है, ये सब 50 रुपये की प्लेट में मिलती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, ये देख लीजिए भैया हमारा तैयार कर रहे हैं 3 पराठे, हमारे तंदूरी पराठे हैं। सब्जी आ गई है और ऊपर से तरी डाल दी भैया ने इसमें, और ये दाल आ गई है, इसके बाद रायता आ गया है और ये हरी चटनी है, हरी मिर्च धनिया की चटनी है और नींबू एक मिर्ची और साथ में सलाद है और साथ में स्पून भी दिए भैया। अब हमारा तंदूरी पराठा आ गया है, भैया ने इसमें बटर लगाया और देख सकते हैं आलू इसमें दिख रहे हैं, आलू का मसाला पूरा इसमें दिख रहा है। तो आइए टेस्ट करते हैं हम और आपको बताते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। देख सकते हैं आप, आलू की सब्जी है, बिल्कुल आलू की पराठा जो है बिल्कुल टेस्टफुल है। मुझे सब्जी है वो भी बिल्कुल, यहाँ पर स्टूडेंट वगैरह सभी आते हैं जो कि 50 रुपये में उनके बजट के अकॉर्डिंग होता है।